मेरे बाल ग्रे हैं, लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, तो मुझे इसमें भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। मेरा नाम उस्मा विटलॉक है, मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। आई एम अ हाउसवाइफ, अ क्वालिफाइड ब्यूटी थेरेपिस्ट, रिकी मास्टर, ऑल्सो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। आप वैम्पायर बनके या आप स्केल्टन बनके तो बाहर नहीं जाओगे। इस तरह का मेकअप जो है वो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री में जो है वो बहुत पॉपुलर है कैरेक्टर के हिसाब से। अगर मैं इस किस्म का मेकअप बाहर पहन के निकलती हूँ, मैं जिस माशरे में रह रही हूँ वहाँ पे मुझे मे बी एक या दो लोग मेरी तरफ देखें और आपस में कोई बात करें, और अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ कि मैं पाकिस्तान में ऐसा मेकअप करके बाहर निकलती हूँ, तो आई एम मी, जो मैं हूँ वो मैं दुनिया के किसी भी खत्ते में हूँ, चाहे वो यूके हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या दुनिया का कोई भी खत्ता हो, मैं वैसी की वैसी ही हूँ। मुझे आई डोंट गेट बॉदर्ड कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं। मेरे लिए मेकअप जो है वो पैशन है। जिस वक्त मैं मेकअप कर रही होती हूँ आई फाइंड इट वेरी वेरी रिलैक्सिंग। समटाइम्स मुझे ऐसा भी सुनने में मिल जाता है कि मेरे पास दुनिया में करने का और कोई टाइम ही नहीं है, बस मैं शीशे के सामने बैठ के मेकअप करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, माँ हूँ, मेकअप मुझे खुशी देता है, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही होती। I want to give it back to people. कुछ बच्चियाँ या कुछ ख्वातीन ऐसी हैं जो नहीं जाके सीख सकती और उनको मौका नहीं मिलता कि वो, उनका शौक है मेकअप सीखना लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है या किसी भी रीजन से वो नहीं कर सकती हैं। तो जब मैं लाइव करती हूँ तो मैं अपनी नॉलेज जो है वो सबके साथ शेयर कर रही होती हूँ, जो कि मैंने इतने अरसे में गेन किया है वो मैं छुपाए बगैर सब कुछ बताती हूँ।